Yeah? और ही समझ आती है कश्मीरी या इंग्लिश किस में आप कंफर्टेबल हो हाँ कोई भी चलेगा ठीक है फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ठीक है नेम इज़ ठीक है करेंटली आई एम वर्किंग इट एट एनआईटी श्रीनगर फाइन आई हैव पी पीएचडी फ्रॉम देयर इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड previously means before phd i have done mtech that too to in computer science and btech also in computer science, fine some basic introduction in case you want to know right so i would be taking computer science course right for any this whatever the graduate level exam you are going to face do not worry all the syllabus will be covered means i aap kisi ka de rahe si ka junior assistant ka नॉर्मली आप किसका मैक्सम नेबर हो अकाउंट्स असिस्टेंट का ठीक है तो सबका वो कवर हो जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे सिलेबस तो सबका सेम ही है ठीक है ना थोड़ा सा वेरिएशन होता है फिर माइनर किसी चीज़ में एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है किसी चीज़ में वही चीज़ कम होती है लेकिन हम क्या करेंगे काम हम जितना भी होगा सिलेबस में इस कंप्यूटर का सारा वो कवर कर लेंगे फिर उसमें से जिसको जो होगा मिन पर्टिकुलर कोई कोर्स होगा वो उससे वो ले लेंगे ठीक है तो इसलिए कोई इशू नहीं होना चाहिए इन आप मीन्स जितना यहाँ पे पढ़ाया जाए आपको कंप्यूटर का अगर वो आप सारा रिवाइज़ करते हो या अगर आप वो सारा देखते हो तो होप फुली इनशल्ला आप सारे मार्क्स कवर कर पाओगे और आपका इसका क्या कंप्यूटर का सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है ये है कि इसमें से बिल्कुल बेसिक बेसिक्स आपको पूछा जाएगा मीन्स आपको ना कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है आपको ना कुछ ऐसा देखना है कि कैसे क्या करें क्या नहीं वैसा कुछ भी नहीं होता है अगर आपको बेसिक मीनस जो एक कैटागोर सिंटेक्स दिया गया होगा एक स्ट्रक्चर आपको ये चीज़ इसमें आती है ये चीज़ उसमें आती है वो चीज़ इसमें आती है वो सारा अगर आप किसी तरीके से रिमेंबर कर सकते हो तो उसकी वजह से आपका सारा कवर हो जाएगा ठीक है सो डो नॉट वरी इन चल ये हो जाएगा सबका सो आई विल टेक दिस थिंग फर्स्ट कि आपका जनरल ब्रॉड सिलेबस क्या है फिर उसी सिलेबस के हिसाब से हम आगे चलते जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी चीज़ कवर करनी है कौन सी चीज़ नहीं ठीक है तो बेसिक मीन्स अगर आप किसी भी जे के एस का सिलेबस देखोगे वो ऑलवेज स्टार्ट करेंगे किससे पहला होगा उनका जैसे अगर आप देखोगे बेसिक एप्लीकेशंस किसका कंप्यूटर साइंस का ठीक है बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स ठीक है किसके कंपोनेंट बेसिकली इट्स कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पार्ट जैसे यहाँ कंफ्यूजन में भी किसी को हो जाए कि क्या ये बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर हैं क्या फिर उन एप्लीकेशन के कंपोनेंट हैं नहीं ये एक्चुअली कहना चाहते हैं कि जो आपका कंप्यूटर है पर्टिकुलर जो आप कंप्यूटर साइंस देख रहे हो उसमें क्या बेसिक कंपोनेंट्स ठीक है तो कंप्यूटर के कंपोनेंट ना कि उन एप्लीकेशन के कंपोनेट्स ठीक है तो फिर दूसरा चीज जो हमें पढ़ना है दिस द फर्स्ट थिंग दैन सेकेंड वुड भी देखो ये जो है दिस इज क्विट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस अब अगर ये आप लाइन देख रहे हो दिस इज एक्चुअली मिसलीडिंग और वट वट एवर वी कैम से मिसलीडिंग कह सकते हैं क्यों क्योंकि अगर आप जो भी चीज यहाँ पढ़ रहे हो तो वो आप एक्चुअली बेसिक ऑफ कंप्यूटर साइंस ही पढ़ रहे हो अगर आप कंप्यूटर साइंस की अप्लीकेशन देख रहे हो वो भी बेसिक ऑफ कंप्यूटर साइंस है अगर आप किसी कंप्यूटर के कंपोनेंट देख रहे हो वो भी क्या है बेस ऑफ कंप्यूटर साइंस तो ये लाइन आप ऐसा समझो कि ये हमें नहीं चाहिए सॉर्ट sort ऑफ of. क्योंकि जब हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं सो दिस इट कुड हैव बीन कि ये इस टॉपिक का मैंने जो ये पूरा ये सिलेबस है उसका नाम दे देते फंडामेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स फिर उसके अंदर ये सिलेबस लिखते लेकिन अब यूजुअली क्या होता है कि कोई जब सिलेबस बनाता है कहीं से यूजुअली मैक्सिमम टाइम तो कॉपी ही होता है कहीं और से किसी और वेबसाइट से या किसी और से तो वो जाके वही चीज चलती रहती है तब तक जब तक उनको कोई ना कहे कि यहाँ पे आपने गलती की है ठीक है तो यह ऐसे ही चलता रहेगा इट मीन्स कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस में ही ये सारी चीजें आएंगी जो भी आपको पढ़ना है यहां पे ये सारा किसके अंडर आएगा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस ठीक है तो तीसरी चीज जो आपको पढ़नी है वो है कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी देखो ये सिलेबस तो सबके पास अवेलेबल होगा फिर मैं क्यों लिख रहा हूँ उसकी एक वजह है ठीक है जब मैं खत्म करूंगा फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि हम ये सिलेबस क्यों लिख रहे हैं वरना तो सब लोगों के पास आपके पास अवेलेबल होगा ठीक है अब देखो ये थर्ड पार्ट है ना कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी इसमें अगर आप देखोगे सबसे आसान क्वेश्चन इसी में से आपको पूछा जाएगा क्यों पूछा जाएगा सबसे आसान यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी कॉमन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज ठीक है जैसे अक्सर अगर पूछा जाता है तो फायरफॉक्स का पूछा जाता है इनमें से कौन एक ओपन सोर्स है तो फायरफॉक्स है ठीक है हम देखेंगे बहुत सारे एप्लीकेशन जो कि ओपन सोर्स है उनमें से आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि ओपन सोर्स क्या है ओपन सोर्स कैसे काम करता है ओपन सोर्स किसने बनाया किसने क्या किया कोई भी नहीं आपको पूछेगा सिंपली क्या होगा चार ऑप्शन आपको दी होंगी ठीक है यहाँ जो भी होगा उसमें से एक ही ऑप्शन होगा क्या ओपन सोर्स का वो आपको आइडेंटिफाई करना हाँ हाँ सॉफ्टवेयर क्योंकि ओपन सोर्स जो टेक्नोलॉजी है वो सारे सॉफ्टवेयर से ठीक है ना ये सारा उसी में आ जाएगा सॉफ्टवेयर पार्ट में आ लेकिन ये मैं क्यों बोल रहा हूं ये सबसे आसान है अगर इसमें कोई भी एक मार्क्स आता है आपको सिंपली टोटल जो मैक्सिमम अभी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी जो प्रोमोनेट है बहुत सारी वो पांच या दस है तो आपको दस का नाम याद रखना है कोई बड़ी बात नहीं और वो यूजली आप यूज भी करते हो टेली ठीक है तो इसलिए कोई इशू नहीं होगा उससे ठीक है तो आप इजिली याद रख सकते हो फिर उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस तो हम देखेंगे इनपुट डिवाइस किसको हम कहेंगे इसमें थोड़ा सा कभी कंफ्यूजन हो जाता था क्या ये इनपुट डिवाइस है क्या ये आउटपुट डिवाइस है बस आपको डेफिनेशन देखनी है कि इनपुट डिवाइस किसे हम कहते हैं और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं ठीक है अगर आपको सिर्फ इतना समझ आता है कि इनपुट से क्या होता है और आउटपुट से क्या होता है, हो है फिर जो भी उधर मीन्स जो भी ऑप्शन होगा वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जैसे अगर वो पूछेंगे आपको आपके पास से मोबाइल फोन है जो आप कॉमनली यूज कर रहे हो जो इसका स्क्रीन है क्या है इनपुट डिवाइस है या क्या है आउटपुट डिवाइस है लेकिन अब एट द सेम टाइम इसी इनपुट में आप मीन्स कुछ फीड भी कर सकते हो तो ये इनपुट डिवाइस भी एक्ट करेगा ठीक है तो वो आपको दिया होगा मीन्स इसका ऑप्शन ऐसा नहीं होगा खाली आउटपुट या खाली इनपुट इसके दोनों ऑप्शन होंगे मीन्स इस विल एक्ट बोथ एज इनपुट एज वेल एज आउटपुट तो वो हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं क्या सब चीज़ें हैं वो सारा हम कवर कर लेंगे फिर उसके बाद इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे तो ये एक क्या इसको हम बोलेंगे कि ये एक मेजर कोर्स होता है कंप्यूटर साइंस में मीन्स हम यूजुअली दो सेमेस्टर्स में इसको पढ़ते हैं मीन्स पहला एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम फिर एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम लेकिन आपको उन चीज़ों के सामने जो ही ऑपरेटिंग सिस्टम फिर कैसे काम करते हैं वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली मीन्स कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ वो आपको नहीं पढ़ना है आपको सिर्फ इसमें क्या पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है ठीक है और इसकी क्या फंक्शनलिटीज है यही आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है फंक्शनलिटीज क्या है सिर्फ इतना ही और फिर हम इसमें देखेंगे कि अगर हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कॉमनली आप यूज करते हो आपके मोबाइल फोन में एंड्रॉयड ठीक है तो एंड्रॉयड ऐसे अगर आप लैपटॉप की बात कर रहे हो तो विंडोज ठीक है या फिर विंडोज के साथ साथ जो आपका दूसरा होता है वो है लिनेक्स है? तो वो चीजें हम देखेंगे बस इतना अगर हम ये कवर कर पाएंगे तो आपका सारा इसके साथ हो जाएगा कवर ठीक है तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है फिर उसके बाद नॉलेज अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फिर उसके बाद और कौन सी चीजें हैं इसके साथ पीडीएफ इंटरनेट एंड ईमेल, ठीक है? ये चीजें हमें देखनी है पीडीएफ क्या होता है इंटरनेट कैसे काम करता है ब्रॉडर पर्सन नॉट द एक्चुअल थिंग क्योंकि फिर तो वो बहुत डीप हो जाएगा फिर आपको इसी के साथ एक साल लग जाएगा वो हमें नहीं पढ़ना है ना आपको वो पूछा जाएगा ठीक है और ई कैसे काम करता है सो दिस वुड बी दिफ्थ पार्ट देन सिक्स और सेवेंथ वुड बी कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर वायरस क्या होता है और कंप्यूटर एंटीवायरस क्या होता है ठीक है अगर आप देखोगे ना इस चीज के पीछे इस कंप्यूटर वायरस और एंटीवायरस के पीछे एक अजीब हिस्ट्री है यूजुअली कहा जाता है कि जो लोग मींस एंटी वायरस बनाते हैं वही पहले वायरस क्रिएट करते हैं क्योंकि तभी उनका जो होता है या सॉफ्टवेयर होता है वो सेल होता है मार्केट में अदरवाइज वो सेल नहीं होगा ठीक है तो पहले वो वायरस ही क्रिएट कर लेंगे फिर उसके बाद या फिर उन्होंने पहले एंटी वायरस से क्रिएट किया होता है किसी एक बॉर्ड को मीनस क्लियर करने के लिए फिर वही बॉर्ड रिलीज करते हैं मार्केट में जो कि कंप्यूटर्स में अफेक्ट करते हैं ठीक है तो ये हम पढ़ेंगे देखेंगे कि वायरस क्या होता है और एंटी वायरस क्या होता है फिर उसके बाद जैस इट इज द फर्स्ट टू लाइन्स ठीक द एट थिंग वुड बी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ठीक है तो इस चीज में आप इसमें आपको क्या चीजें पढ़नी है पहले एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम Hardware, फिर हार्डवेयर फिर सीपीयू क्या होता है वो हम पहले ही एक लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह देन पेरिफेरल्स, व्हाट आर पेरिफेरल्स एंड ऑल देन स्टोरेज मीडिया देन उसके बाद mm, ये सारा चीज फर्मवेयर एंड ह्यूमनवेयर और फिर लास्ट पार्ट जो होगा वो होगा रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस दिस वुड बी द ब्रॉड सिलेबस जो भी आपको कवर करना है इसमें ठीक है ये होगा पूरा सिलेबस जो हमें इस मीन्स पंद्रह या बीस लेक्चर या जितने भी लगते हैं उनमें हमें कवर करना है ठीक है अब अगर आप देखोगे ये सारी चीज़ें इसमें एक चीज़ है ये नॉलेज अबाउट एम एस वर्ड एम एस एक्सल एम एस पावर पॉइंट पी डी एफ इंटरनेट एंड ई मेल ठीक है जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हो उसमें वो क्या पूछते हैं अक्सर वो पूछते हैं कि जो इसका बेसिक मीन्स फॉर्मेटिंग क्या है जैसे अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट कोई ओपन करते हो कंप्यूटर पर तो उसका जब आप पहली बार ओपन कर रहे हो तो बेसिक फॉर्मेट कौन सा होता है या डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग कौन सा होता है ठीक है अगर आप देखोगे 2007 वर्ड के बाद डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग क्या है कि जो आपका साइज होता है फॉन्ट साइज वो 11 होता है और जो फॉर्ड ये होता है क्या इसको बोलते हैं वो होता है, हो है कैलब्री ठीक है जो आपका फॉन्ट स्टाइल होता है वो कैलबरी होता है ठीक है नॉर्मली यही चीजें पूछते हैं फिर वो क्या पूछते हैं अक्सर इसमें और कि अगर आप ये कमांड दे प्रेस कर रहे हो तो इससे क्या होगा अगर आप वो चीज प्रेस कर रहे हो तो उससे क्या होगा तो हम क्या करेंगे जो बेसिक जिसमें आप कुछ भी एंटर करते हो वन टू थ्री या नेम एंटर करते हो या कुछ भी एंटर करते हो इसका डिफॉल्ट साइज क्या होगा ये वो ये पूछेंगे ठीक है या, या अगर आप एंटर करना चाहते हो कोई नंबर एंटर करोगे क्या वो जैसे ये सेल एक ही है इसमें अगर आप नेम एंटर कर रहे हो ना उसका ओरिएंटेशन एक होगा अगर आप नंबर एंटर कर रहे हो उसका ओरिएंटेशन दूसरा होगा ठीक है तो वो यही पूछते हैं आपको कि अगर आप नाम लिख रहे हो वो क्या लेफ़्ट में जाएगा अगर आप नंबर लिख रहे हो क्या वो राइट right में जाएगा ठीक है या वो बीच में आएगा यही चीज़ें वो अक्सर पूछते हैं ठीक है इन्हीं चीज़ों के साथ सारा हो जाए तो आप हम देखेंगे जो हम स्टार्ट करेंगे अगर हम अपना पहला पोर्सन स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट लेक्चर तो इसलिए हम सारे में एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं। कुछ ही नहीं रहे हैं वैसा नहीं है जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आपका एक ही टॉपिक कवर किया जाएगा जैसे एक लाइन या दो लाइन जितने भी कवर हो जाएंगे सिर्फ उसी के बारे में मतलब बात होगी ऐसे तो आई सच टूडे जो आज का लेक्चर था ये एक ब्रॉड लेक्चर था इसलिए मैंने पहले सारा सिलेबस आपको बता दिया ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया मिले कि आपको पढ़ना क्या है बेसिक चीज में क्या पढ़नी है फिर हर किसी चीज में जो भी ये पर्टिकुलर एक टॉपिक है हर कोई टॉपिक आपका कवर किया जाएगा ठीक है तो उसके लिए आपको कंटिन्यूस आना पड़ेगा पहला अगर हम देखेंगे तो अगर हम स्टार्ट करेंगे बेसिक एक कंप्यूटर ठीक है अगर कोई भी आपको पूछे कि आप एक कंप्यूटर देख रहे हो तो इसमें कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं हर कोई आपको यही पूछेगा जैसे भी तो अगर कोई भी पूछे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं यह हम फिर से कवर करेंगे जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे जो आज का लेक्चर है दिस बी अगेन कवर्ड मीनस जब वो पर्टिकुलर टॉपिक कवर किया जाएगा आज के लिए ओरिएंटेशन सॉर्ट ऑफ लेक्चर होगा आपका ब्रॉड लेक्चर ठीक है दिस वुड बी आर फर्स्ट टॉपिक पहली चीज जो एक कंप्यूटर का होता है वो होता है इनपुट पहला होता है इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस या इनपुट और आउटपुट डिवाइस और आप इनपुट अलग से रख सकते हो और आउटपुट अलग से रख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है थीके? जो दूसरा होगा वो होगा प्रोसेसिंग डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइसेस या प्रोसेसिंग कंपोनेंट जो भी आप कहना लिखना चाहो ठीक है जो भी आपकी मर्जी है फिर तीसरा आउटपुट डिवाइस और फिर चौथा होगा आपका फाइनली वो होगा स्टोरेज ठीक है सो दिस वुड बी द्रॉडर मीन्स अगर आप कोई भी डेफिनेशन देखोगे कोई भी बुक देखोगे वो यूजुअली क्या बताएगा आपको कि ये चार चीजें हैं जो बेसिक कंप्यूटर की मीन्स कंपोनेट्स कोई भी कंप्यूटर हो कहीं भी कंप्यूटर आपको मिले उसमें ये चीज ये चार चीज़ें आपको मिलेगी ठीक है फिर यूजली जब आप मीन्स नए नए कंप्यूटर आते गए तो ये जो ये प्रोसेसिंग डिवाइस है पहले सिर्फ हमारे पास सी होता था ठीक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है सीपीयू क्या होता है जो सारा काम आपका कंप्यूटर का कर लेता है अगर आप जो नॉर्मली आपके डेस्कटॉप घर पे होंगे जिनके भी डेस्कटॉप टॉप हैं घर पे डीएस डेस्कटॉप तो उसमें दो ब्रॉड पार्ट्स होते हैं एक तो आपका मशीन होता है वो सी होता है और दूसरा उसके साथ होता है मोनिटर ठीक है मोनिटर का काम क्या सिर्फ होता है दिखा सिर्फ दिखा आपका आउटपुट दिखाना और कोई काम अब मोनिटर का नहीं होता है ठीक है ये बाकी कुछ भी काम नहीं कर सकते जैसे अगर यूजुअली ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि एक बार अगर आपने देखा होगा कुछ आया था न्यूज़ में एक बार वीडियो कुछ मीन्स चोरी हुई थी कहीं पे किसी मीन्स दुकान में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो चोर जो थे उनको कंप्यूटर लेना था वहाँ से तो उन्होंने लिए मोनिटर उठाया था ठीक है उनका लगा था यही कंप्यूटर है बेसिकली मॉनिटर का कोई काम नहीं होता है ठीक है ये सिंपली आपको एक आउटपुट डिवाइस एक्ट करता है बाकी जो भी सारा काम होता है वो किसके अंदर होता है सी ठीक है तो इस सी में क्या चीज़ें होती है अगर आप देखोगे मीन्स अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हो तो वो इसे दिस सी पी यू हैज एल यू ए एल यू क्या होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट थमेटिक लॉजिकल यूनिट तो ये अगर आप देखोगे नाम से ही पता चलता है जो भी आपके ऑपरेशन होते हैं जैसे प्लस माइनस या मल्टीप्लीकेशन सारे या लॉजिकल लौजिक, लॉजिकल ऑपरेशन आप किसको बोलते हो जैसे अगर आपको कोई पूछे कि दो नंबर है आपके पास टेन और ट्वेंटी फॉर एग्जाम्पल क्या ये दो नंबर बराबर है तो ऐसा है नहीं लेकिन आपको कंप्यूटर को पूछना है कि क्या ये दो नंबर हैं तो वह आप क्या बताओगे उसको आप इसको सिंपली बता सकते हो इज टेन डबल इक्वल टू ट्वेंटी और इज टेन इक्वल टू ट्वेंटी वो हम सारी चीजें बाद में देखेंगे लॉजिकली इक्वल या इसको जो बोलते हैं या अगर आपको मीनस ये बताना हो कि नॉर्मली जो आप टू टेबल देते हो टू टेबल्स तो आपने पढ़े होंगे ना वैसे नहीं है आपको फिर से बट इन केस टू टेबल्स में क्या होता है कि ऑपरेशंस होते हैं बहुत से हमारे पास पहला ऑपरेशन होता है और दूसरा होता है एंड फिर होता है नॉट फिर होता है नैंड वो जो आपने फिजिक्स में या जैसे ट्वीट टेंथ ट्वेल्थ में पढ़े होंगे ठीक है तो एंड में क्या होता है जो आपका एंड होता है वो आपको बताता है कि अगर आपके पास इनपुट दो है यह इनपुट वन यह इनपुट टू फॉर एग्जाम्पल ठीक है अगर पहला इनपुट जीरो है और दूसरा भी जीरो है तो जो आपका आउटपुट होगा वो क्या होगा वो जीरो होगा एंड की बात हम कर रहे हैं ठीक है अगर आपका एक इनपुट वन जीरो है दूसरा वन है तो आउटपुट क्या होगा फिर से जीरो ही होगा अगर आपका ये सॉरी वन है ये जीरो है फिर से जीरो होगा तो जब आपका वन होगा दोनों तो तब जाके ये होगा सिंपल एंड ऑपरेशन ये आपने पढ़ा होगा हालांकि यहां इसके साथ अभी लेना देना नहीं है बट मैं समझा रहा हूं कि लॉजिकल यूनिट में क्या काम होता है जो ये लॉजिकल यूनिट है जो ये एंड ऑपरेशन है ये कौन परफॉर्म करेगा ये लॉजिकल यूनिट ठीक है जो ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का लॉजिकल पार्ट है वो इस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करें ठीक है इस टाइप का ऐसे ही दूसरा ऑपरेशनों का फॉर एग्जांपल और नैंड और नॉट वो बहुत सारे, बहुत सारे ऑपरेशन उन हमें नहीं जाना है अभी क्योंकि वरना फिर वो सारा टाइम यहीं पे कंज्यूम हो जाएगा तो ये बेसिक और इस सीपीयू में नॉर्मली जो आपका सीपीयू होता है अब कंप्यूटर की डेस्कटॉप की अगर बात करेंगे उसमें और एक चीज़ फिट होती है वो होती है मेमोरी ठीक है मेमोरी क्या होता है जो भी आपको जैसे आपके पास अभी तो अगर आप ये चीज़ आसान इसलिए समझना है क्योंकि आज के ज़माने में हर किसी के पास फोन है ठीक है ना तो हम क्या बताते हैं जब भी आप फोन लाते हो कोई तो हम उसकी दो चीज़ें देखते हैं। दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पहला देखते हैं कि इसका प्रोसेसर क्या है इसकी प्रोसेसिंग टाइप मीन्स कौन सा प्रोसेसर है जैसे एट सिक्स फाइव हंड्रेड भैया जो भी अभी प्रोसेसर यूज होते हैं जितने भी प्रोसेसर यूज़ होते हैं तो दूसरी चीज़ आप क्या देखते हो जो मैक्सिमम लोग मुझे लगता है देखेंगे वो देखते हैं रैम और फिर रोम क्या है ठीक है रैम इन जो आप जो यूजली जैसे आप कोई भी फ़ोन लोगे तो उसकी रैम जो होगी फोर जी बी होगी सिक्सटी ये सिक्स जी बी होगी और फिर जो उसकी स्टोरेज होगी वो कितनी होती है सिक्सटी फोर जी बी या वन ट्वेंटी एट जी बी ठीक है वन दिस इज़ ऑलवेज दिस सिक्सटी फोर वन ट्वेंटी एट आपने क्यों नहीं देखा है किसी फ़ोन का स्टोरेज वन ट्वेंटी जी बी आपने किसी फ़ोन का देखा है थ्री जी बी मेमोरी रैम होती है चार ही क्यों होती है फिर वो नेक्स्ट में क्यों जाते हैं कहीं और एक्चुअली जो भी कंप्यूटर में आप जितनी भी चीजें देखते हो ना वो होता है टू टू द पावर समथिंग ठीक है टू टू द पावर समथिंग जैसे आप 128 देखोगे सो इट विल बी टू टू द पावर सेवन सिक्सटी देखोगे इट विल बी टू टू द पावर सिक्स और टू टू द पावर एट जो भी होगा सेवन सिक्स होगा फाइन सो द सेम वे अगर फोर होगा तो टू टू द पावर टू ठीक है तो नॉर्मली ऐसे ही चलता है इसलिए आप देखोगे इसी फॉर्म में आपकी हर कोई मेमोरी होगी है. तो इससे आपको क्या चीजें पता चलती है ये जो आपको मींस हर किसी फोन में मिलता है रैम भी मिलता है और रोम भी मिलता है तो मेमोरी जो होती है वो दो टाइप की होती है ठीक है मेमोरीज में हर किसी कंप्यूटर में एग्जैक्टली exactly ऐसा ही होता है हर किसी कंप्यूटर में दो काइंड्स ऑफ मेमोरी होती है एक तो होता है रैम और दूसरा होता है रोम रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी दूसरा होता है रीड ओनली मेमोरी जो ये मेमोरी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको हम बोलते हैं ये वोलाटाइल मेमोरी है और इसको हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल ठीक है यू मीन इन टाइम अगर आपको इसमें लग रहा है कुछ क्या हम स्कीप कर रहे हैं डू नॉट वरी सारे कंपोनेंट्स फिर से पढ़ने वाले हो सारी चीजें ये सारी कवर होंगी फिर से ठीक है अब लेकिन बेसिक ब्रॉड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट किया हमने तो तभी मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ ठीक जो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है जब हमारे पास ऑलरेडी रॉम है मीन स्टोरेज है हमारे पास फिर हमें ये रैम की क्यों ज़रूरत पड़ती है ठीक है तो हमेशा जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन रन करते हो ना फ़ोन पे अगर उस एप्लीकेशन को रन करना है या किसी कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम को रन करना है उसके लिए मैंडेटरी है कि वो किसमें होना चाहिए रैम में वो किसमें होना चाहिए रैम ठीक है तो फिर हम क्यों ऐसा करते हैं हम क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि हम उस एप्लीकेशन को रॉम में ही ले जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता था ना ऑप्शन कि हम रॉम में लेते फिर हमें रैम की जरूरत नहीं पड़ती उसका रीजन क्या है कि जो ये रैम होती है ये बहुत फास्ट होती है जो रैम होता है ये क्या होती है बहुत बेसिक रीजन अगर आप देखेंगे वो यही है ठीक है जैसे जो कंप्यूटर के साथ जो सीपीयू में अगर कोई रजिस्टर होगी ना उसमें अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो वो फास्टेस्ट होगा ठीक है रजिस्टर के बाद थोड़ी सी बड़ी मेमोरी आती है कैशे जैसे आप किसी भी मेमोरी एम की क्लियर करते हो क्लियर कैश आ जाता है हर जगह ठीक है तो वो होता है नेक्स्ट लाइन पे थर्ड लाइन पे होता है फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी और फिर टॉप पे होता है जो आपका रॉम होता है ठीक है तो हम क्यों रॉम हमारे पास फ्रीली क्यों इतना ज्यादा अवेलेबल होता है उसका रीज़न है वो उतना कॉस्टली नहीं होता है. क्यों कॉस्टली नहीं, नहीं होता है क्योंकि उसकी स्पीड कम है ये सारा कौन डिसाइड करता है कौन कॉस्टली है कौन कॉस्टली नहीं है स्पीड डिसाइड करता है और कुछ भी नहीं मीन्स अगर आपको वहां से कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है फॉर एग्जाम्पल अगर रैम में आपको एक नैनो सेकेंड लगता है तो इसमें आपको एक सेकेंड लगेगा या एक मिली सेकेंड जो भी होगा ठीक है अब अगर स्पीड ज्यादा होगी उसे क्या फायदा होगा कि आपका कंप्यूटर तेज होगा आपका मोबाइल तेज होगा आपका परफॉर्मेंस जो होगा वो बहुत तेज होगा इसलिए ये फिर क्या करते हैं लोग ये ट्रेड ऑफ ट्रेड ऑफ किसको बोलते हैं कि ये बोलते हैं हम रैम चार जी लगाएंगे और इसमें हमारी आलमोस्ट सारी चीजें हो जाएंगे ठीक है फिर रोम जितनी भी आप लगाओ सिक्सटी फोर या कितना उसी के बेस पे ही आप हर किसी कंप्यूटर में वैसे ही होता है कि और फिर उसके साथ साथ ये काम कौन कराता है इनको सारा प्रोसेसिंग जो प्रोसेसर होता है तो मीन्स अगर सिर्फ रैम ही हो प्रोसेसर नहीं हो तो वो किसी काम का नहीं है तो हमें दोनों चीज़ें इक्वलेंट होनी चाहिए तो अगर आपका प्रोसेसर क्विक है तो आपकी रैम भी उसी हिसाब से होनी चाहिए अगर आपका प्रोसेसर मीन बिल्कुल कमज़ोर है और रैम फिर कितनी भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जैसे अगर आप अभी देखोगे अभी मैक्सिमम फ़ोन होंगे आपके मतलब जो उनका प्रोसेसर होगा वो ऐसे डिज़ाइन होगा कि जो ये रैम होगी वो एफिशेंटली यूज़ होनी चाहिए और ऐसे ही उल्टा भी होगा क्या अगर रैम इतनी है तो आपका प्रोसेसर भी एफिशेंटली यूज़ होना चाहिए ठीक है ये एक नॉर्मल तरीका होता है हर किसी कंपनी के डिज़ाइन है। तो मीन अगर आप जनरल मेमोरी आपको कोई पूछे कि स्टोरेज कितने टाइप का होता है दो टाइप का एक तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है दूसरा अब इस रैंडम एक्सेस मेमोरी के भी अपने टाइप्स हैं वो हम अगली क्लास में जो एक्चुअल क्लास होगा उसमें पढ़ेंगे ऐसे इस रोम के भी अपने टाइप्स हैं मीन्स वहां आपको हो सकता है ये पूछा जाए कि जो इस रैम के टाइप्स हैं वो पूछेंगे ये रैम में आता है या रोम में वो डायरेक्टली आपको रैम नहीं पूछेंगे वो आप उसका कंपोनेंट कोई पूछेंगे ठीक है ऐसे ही रोम का कोई कंपोनेंट वो आपको बताएंगे क्या ये इसमें आता है या इसमें आता है तो वो चीजें भी हमें सारी कवर करनी है ठीक है अब आज के ज़माने में जैसे आप कोई भी कंप्यूटर देखते हो तो उसमें मीनस मेमोरी की जगह स्टोरेज की जगह या तो एक जनरल हार्ड ड्राइव होता है हार्ड ड्राइव मीनस जो भी आप अभी लैपटॉप देखते हो या कंप्यूटर देखते हो उसमें जो स्टोरेज होता है स्टोरेज की जगह होता है उस चीज को हम क्या बोलते हैं हार्ड ड्राइव ठीक है लेकिन अब जो अभी मीन्स करंट स्नैरियो है ट्रेंड जो चेंज हो चुका है अब हम देखते हैं यूजअली जो भी कंप्यूटर्स होते हैं उनमें एक चीज़ फिट की होती है उसको बोलते हैं एस ठीक है एस एस डी को क्या बोलते हैं हम सॉलिड स्टेट ड्राइव सॉलिड स्टेट ड्राइव ये क्यों हमने यूज़ की फिर से वही चीज़ एस एस डी की स्पीड हार्ड ड्राइव से बहुत ज़्यादा है ठीक है नॉर्मली अगर आप हार्ड ड्राइव में कोई चीज़ कॉपी करते हो और उसको लगते हैं फॉर एग्जाम्पल एक मिनट एस एस डी में सेम चीज़ को कॉपी करने में आधा मिनट भी नहीं लगेगा तो आपकी स्पीड कितनी है बहुत ज़्यादा अब फिर से वही मसला हो गया क्या कि अगर आप एस लगा रहे हो तो ये कॉस्टली ज़्यादा हो जाएगा क्यों क्योंकि इसकी स्पीड मैंने कहा ना मतलब हर कोई चीज़ जो भी डिसाइड है क्या ये कॉस्टली है नहीं वो किस पे डिपेंड करता है अब इसका मतलब है एस की स्पीड तो बहुत तेज़ है लेकिन ये कॉस्टली बहुत है ठीक है तो इसलिए अगर आप कोई लैपटॉप देखोगे अभी नया लैपटॉप देखोगे एस उनमें होगी या वन या होगी टू फिफ्टी या होगी फाइव वन टू जी बी इससे ज़्यादा नहीं होगी हार्ड ड्राइव तो वन टैराबाइड टू टेराबाइड थ्री टेराबैट चार टेराबैड तक भी होती है लेकिन एस एस डी कम होती है ठीक है जो एप्पल के अभी मीन्स टॉप लैपटॉप्स हैं उनमें अगर आप देखोगे जो सबसे मीनस कॉस्टलियस है ना उसकी एस एस डी फाइव वन टू जी बी है उससे ज़्यादा नहीं है क्योंकि अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑलरेडी इतना कॉस्टली है और करेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ ठीक है तो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग ये चीज़ है Just a second. Colleen. अगर आपको ये वो एक पहले लाइन जब हमने देखी थी वो थी एप्लीकेशंस तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर यूज़ होता है हर जगह आज के ज़माने में इंडस्ट्री में होता है बिजनेस में होता है होम में होता है एंटरटेनमेंट में होता है ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे हर जगह कहीं ना कहीं उसकी एप्लीकेशन होगी तो वो हम सारी एप्लीकेशन देखेंगे कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है वो सारी एप्लीकेशन भी हम देखेंगे ठीक है अब ये इनपुट डिवाइस है नॉर्मली जब आप कोई भी कंप्यूटर देखते हो आपके सामने कोई कंप्यूटर पड़ा है तो उसमें इनपुट डिवाइसेस क्या होंगे मतलब यही चीजें हैं जो बेसिक आप देख रहे हो इनपुट डिवाइसेज अगर आप कहीं पर भी देख रहे हो तो नॉर्मली जस्ट सेकंड मतलब इनपुट डिवाइसेज कौन सी होंगी कीबोर्ड होगा माउस होगा या अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो वो जॉयस्टिक होगी वो सब चीजें तो ये होंगी बेसिक इनपुट डिवाइस तो ये भी हम चाहे कहीं भी इनपुट डिवाइस आप तक जितनी बनी हो वो सारी हम कवर करेंगे ताकि आपको फिर वहां कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट क्योंकि नॉर्मली वो कोई नहीं आपको पूछेगा की इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये सबको पता है की इनपुट डिवाइस है तो यूजअली ऐसा नहीं पूछते हैं वो इनपुट डिवाइस में से वो चीज़ उठाएंगे जो आपने नहीं देखी होगी पर्टिकुलरली ताकि उससे उनको पता चले क्या इनको समझ आया इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं और आउटपुट डिवाइस किसको कहते हैं ठीक है ठीके? ऐसे आउटपुट डिवाइसेज जो हम कॉमनली यूज दे, देखते हैं एक तो ये आपका मॉनिटर है स्कैनर कैन बी ए इनपुट डिवाइस इट वुड बी ए प्रिंटर एक्चुअली ठीक है स्कैनर स्कैनर हम यूजली क्या करते हैं कोई चीज़ तो इट विल एक्ट एज एन इनपुट डिवाइस ठीक है तो अगर वो स्कैनर वही स्कैनर मीन्स मल्टीपर्पज़ है वो आपका आउटपुट भी दे रहा है तो वो तब क्या करेगा एक्ट एज आउटपुट डिवाइस

फिर से वही चीज़ की आपकी एफेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ठीक है अगर किसी भी कंप्यूटर में जीपीयू है तो उसका मतलब वो एफिशिएंट होगा किसके कम्पेयर्ड जिसमें सिर्फ सीपीयू होगा लेकिन इसमें भी फिर से वही इशू होगा जो आपका जीपीयू होगा उतना बड़ा नहीं होगा यही आठ जी का होगा सोलह जी का होगा उससे ज़्यादा नहीं होगा ठीक है क्योंकि फिर से वही कॉस्ट का प्रॉब्लम जो चीज़ फास्ट होती है उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है जो चीज़ की स्पीड ज़्यादा होती है उस चीज़ का कॉस्ट ज़्यादा होते हैं तो यूजुअली जो भी कंपनी होती है जो भी ये मैन्युफैक्चरर होता है वो फिर बीच वाला पॉइंट चूज करते हैं कि इतना कॉस्ट इतनी स्पीड इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते ठीक है तो वही चीज़ें होती हैं फिर उसके बाद जो हम पढ़ेंगे क्लास में चीज थोड़ी सी मैं एग्जांपल्स आपको दे दूंगा इस ओपन सोर्स की मे बी इनमें से ही फिर कोई कवर हो जाए उस दिन फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम राइटिंग ऑन दिस बोर्ड इसलिए पहले आपको लगेगा कि दिख नहीं रहा है कुछ टाइम इम्प्रूव हो जाएगा ठीक है नॉर्मली अब इसका कल्चर नहीं रहा है बोर्ड का तो हम देखेंगे कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज क्या होता है अगर आपके पास एक सॉफ्टवेयर है कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हो जो वो कंपनी है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चर जो वो बनाता है अगर वो आपको फुल एक्सेस दे उस सॉफ्टवेयर का फुल एक्सेस मीन्स आपको पे कुछ नहीं करना है आप वो इजीली डाउनलोड कर सकते हो ठीक है फिर और एक चीज़ आपने जब वो डाउनलोड किया तो आप देखोगे सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें हैं आप उन चीज़ों में से किसी को बदल भी सकते हो तो उसका मतलब वो आप कब बदल सकते हो जब वो सॉफ्टवेयर वाला आपको उस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड देगा सोर्स कोड क्या होता है कि इसने जो लिखा है मीन जैसे अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे कोई ऑपरेटिंग या कोई मीन सॉफ्टवेयर आपको काम करके देता है एडिशन ऑफ टू नंबर्स तो वो कैसे कर लेगा उसको अंदर लिखा होगा कि अगर ये एक नंबर दे रहा है वन दूसरा दे रहा है टू अगर आप इनको ऐड करोगे तो इसको क्या आंसर आना चाहिए थ्री तो जो ये लाइने इसने लिखी होंगी ना अंदर उस चीज को हम क्या बोलते हैं सोर्स कोड ठीक है वो सोर्स कोड अगर वो आपको दे देगा फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो आप उसको पहले रीड कर सकते हो मीन इसमें क्या चीजें हैं क्या नहीं है फिर उसी सोर्स कोड को आप मॉडिफाई कर सकते हो क्या कर सकते हो मॉड फिर उससे क्या बन सकता है कोई उस सॉफ्टवेयर में या तो इंप्रूवमेंट होगी या तो कुछ आप नया बना लोगे वो ऑप्शन आपको ये दे रहे हैं अगर कोई भी कंपनी ऐसा सॉफ्टवेयर बनाती है फिर आपको ये सारी चीजें करने को देती है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं ओपन सोर्स ठीक है क्या बोलते हैं अब जो अभी ट्रेंड है करंट वर्ल्ड का ट्रेंड है जो भी जिन मैक्सिम जैसे टेस्ला काम करता है या जैसे ओबन वाले काम करते हैं तो वो या रेड हेड या जो भी जितने होते हैं ये सारे के किस पे काम करना चाहते हैं ये चाहते हैं हम ओपन सोर्स पे काम करें रीजन क्या है आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया आपको कुछ पे नहीं करना पड़ा जैसे अगर आप विंडोज़ टेन यूज़ करते हो नॉर्मली हम अब मीन्स कश्मीर में ये कल्चर ही है कि हम कोई क्रैक वर्जन यूज़ करेंगे बट अगर आपको एक्चुअल में विंडोज टेन ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदना है इट वुड कॉस्ट यू अप्रॉक्सिमेटली अराउंड टेन थाउजेंड मीन्स अगर आपको विंडोज़ टेन ख़रीदना है जो इनका विंडोज़ का एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम अभी है मेन जो आपका यूज़ करते हो तो इसका कितना कॉस्ट होगा टेन थाउजेंड ठीक है अब एट द सेम पॉइंट आप फिर और एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो लिनेक्स का वो भी यही काम आपको करके देगा ऑलमोस्ट मे भी कुछ चीजें ना हो या मे भी चीजें कुछ चीज़े आपको करनी ना आए वरना तो काम सब करके देगा मैंने जो विंडोज काम करके देगा वो आपको लिनेक्स भी काम करके देगा बट उसका मीन्स चलने का तरीका या चलाने का तरीका कुछ और है लेकिन आप लिनेक्स यूज करो आपको कुछ भी नहीं करना तो ओबियसली फायदा है ठीक है ऐसे अगर आप कोई मीन्स नॉर्मली एडो फोटोशॉप यूज करते हो आप यूज करते हो तो आपको वो सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए पैसे देने हैं उनको ठीक है ऐसे लेकिन उसके अपोजिट इन सो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी वालों ने एक और सॉफ्टवेयर बनाया जी आई एम पी फॉर एग्जाम्पल वो भी वही काम करके देता है आपको और फिर तो आपका क्या काम हो जाता है सारा ईजी हो जाता है ठीक है तो ऐसे ही अगर आप मिन्स जनरल कोई पूछे कि ओपन सोर्स क्या होता है तो आप सिंपली ये बताओगे कि वो सॉफ्टवेयर जो फ्रीली अवेलेबल हो फ्रीली का क्या मतलब आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा ठीक है दूसरा वो आपको वो सोर्स कोड दे देंगे उस चीज का मीन्स वो रफली अवेलेबल होगा कहीं भी ऑनलाइन आपको सिर्फ डाउनलोड करना है आप उस सोर्स कोड को क्या करोगे मॉडिफाई करोगे फिर उसको यूज क्या करोगे अपने तरीके से जो भी आप यूज करना चाहो तो फिर जाके आप उसको क्या बोलोगे ये ओपन सोर्स ठीक है तो जो कॉमन मीन्स ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज हैं जो आप अभी यूज करते हो सबसे कॉमन और जो अक्सर पूछा जाता है वो है फायरफॉक्स ये फायरफॉक्स क्या है सिंपली ब्राउजर नथिंग एल्स जो आप क्रोम यूज करते हो ना या कोई और ब्राउजर यूज करते हो किसी भी चीज का ये एक वेब ब्राउजर है वेब ब्राउजर किसको बोलते हैं जो आपको इंटरनेट एक्सेस करने का एक क्लाइंट होगा नथिंग एल्स मिस विच विल हेल्प यू टू एक्सेस द इंटरनेट उसको आप क्या बोलते हो ब्राउजर ठीक है तो ये फायरफॉक्स एक ब्राउजर है तो ये जो इस कंपनी जिसका नाम उनका नाम क्या है मोजिला ठीक है तो यूजली अगर पूछ, अगर दोनों को मिलाएंगे तो नॉर्मली आप इस चीज को किससे जानते हो मोजिला फायरफॉक्स ठीक है तो अब मे भी आपकी किस्मत अच्छी हो पहला ही क्वेश्चन यही आ जाए कि इनमें से ओपन सोर्स कौन है आप विदाउट सोचे बिना आप किसको टिक करोगे मोजिला फ़ायरबॉक्स को या मे भी ऐसा हो आपकी किस्मत बुरी हो कि दो दूसरा भी हो फिर आपको वो बहुत है एंड भी आ जाए ठीक है तो वो भी हम देखेंगे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज होती हैं कौन सी नहीं सो दिस वुड बी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑपनिस ब्राउजर जो हम यूज करते हैं दूसरा लिनेक्स ठीक है लिनेक्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम Linux is an operating system. तो ये Mozilla Firefox क्या था This was a web browser. Web browser, ठीक है जो आपको internet access करने में मदद करे चाहे ये phone पे हो चाहे ये laptop पे हो दोनों पे चलता हो Means Mozilla Firefox is available for phone as well as for laptop. दोनों पे आप use कर सकते हो ठीक है दूसरा है लिनक्स लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको विंडोज है जैसे मैंने आपको कहा कि आपको वो चीज़ यूज करने के लिए आपको विंडोज को खरीदना पड़ेगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर जाके आप वो यूज कर सकते हो अब उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि आप पैसे नहीं देना चाहते हो आप किसको यूज कर सकते हो लिनक्स को ठीक है अब जो ये लिनेक्स है मीनज जब ये आया तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम था फिर इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ गए ठीक है इसके वेरियस वे, वेरियंट आ गए जैसे विंडोज़ विंडोज़ विंडोज 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 का एक था 98, फिर था 7, फिर था 8, फिर था फिर 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 अब जाके जो मीनस अगर कोई पूछेगा अभी कौन सा है तो विंडोज टेन और आप मीनस अगर लेटेस्ट में कुछ भी आए तो आप टेन लिखोगे क्योंकि टेन के बाद माइक्रोसॉफ्ट कुछ रिलीज नहीं करने वाला मीनस टेन वुड बी देयर लास्ट तो फिर वो कैसे चलेंगे आगे वो इसी को इंक्रीमेंट करेंगे इंक्रीमेंट मतलब वो बताएंगे जो नेक्स्ट होगा हमारा वो होगा टेन पॉइंट वन समथिंग लाइक टेन पॉइंट जीरो पॉइंट वन टेन पॉइंट टू ऐसा लेकिन जो बेसिक होगा वो क्या रहेगा हमेशा टेन ही अब ब्राइक मींस अभी नया नहीं स्टार्ट करने वाले इनका रिसेंट एक पॉलिसी है वो वो जाने क्या हुआ क्या नहीं तो इसलिए नेक्स्ट के बहुत सारे वेरियंट्स हैं ठीक है जैसे इसका और एक वेरियम जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो था यूनिक्स ठीक है एक्चुअल यूनिक्स से ही सारे स्टार्ट हो गए जो बेसिक चीज़ जो यूनस डेवलप हो गई ये चीज़ वो कौन सी थी यूनिक्स ठीक है जिसने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है उसी बंदे ने ये यूनिक्स भी डेवलप किया है ठीक है और रिसेंटली दो साल पहले वो मर गया है ठीक है वो देखेंगे हम कौन था कौन नहीं वो सारी चीज़ हम देखेंगे जब ये यूनिक्स बना तो यूनिक्स क्वाइट पॉपुलर हो गया जब भी कोई चीज़ पॉपुलर होती है तो फिर लोग आ जाते हैं उस चीज़ को एड करने के लिए और फीचर्स ठीक है तो और एक बंदा आया उसने यूनिक्स को लेके एक और चीज बनाई उसका क्या नाम उसने देखा लिनिक्स और वो आदमी जो था अकेला था ठीक है ही हैज डन एवरीथिंग ऑन इज ओन जैसे यूनिक्स जिसने बनाया था उसने भी अकेले किया था लेकिन उसके साथ और एक बंदा था ए टी एन टी लैब्स थी वो वहां पर उन्हें बनाया था फिर और एक बंदा आ गया वो कौन है वो सारी हम देखेंगे क्योंकि मैं अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे फिर आप उसने क्या नाम रखा इसका लिनक्स ठीक है अब उसको दिखाना था कि ये कुछ अलग है लेकिन किसके बेस का है यूनिक्स के बेस मीनस ये विंडोज बेस्ड नहीं है लिनक्स यून, ये यूनिक्स बेस्ड ही है लेकिन होगा कुछ अलग तो उसने नाम क्या रखा लिनक्स? क्या आप इसमें से कुछ इससे जोड़ सकते हो जनरल थिंग सिंपल क्वेश्चन है वट कैन बी द थिंग मिस आप लिनक्स से कुछ यूनिक्स पहले बना फिर से बता रहा यूनिक्स पहले बना ठीक है फिर यूनिक्स को चेंज करके एक है उसने क्या बनाया लिनक्स, ठीक है नहीं उसका नाम नहीं था ये हैं नहीं उस पर नहीं है ये मैं ये बता रहा हूं कि आप इन दो में कोई देख सकते हो कोई चीज जो कॉमन है जिससे वो बता सकते हैं वो तो होगा ही ओबियसली मैं कह रहा हूँ उसका मकसद था कि ये यूनिक्स बेस ही दिखे और यूनिक्स का वेरेंट ही दिखे लेकिन यूनिक्स ना दिखे वो अलग भी चाहता था लेकिन उसका वेरियंट भी उसी का चाहता था ठीक है इसी जैसी और एक एग्जाम्पल है इस जैसा अभी आप कौन सा ऑपरेट सर्च इंजन यूज करते हो गूगल माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा सर्च इंजन है गूगल तो गूगल का है मींस गूगल इज ए कंपनी उनका सर्च इंजन है गूगल ठीक है अब माइक्रोसॉफ्ट का भी एक अपना सर्च इंजन है बहुत अच्छा सोचा मीन्स जो उन्होंने बहुत सारा काम किया है उस पर अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हो जो उसका बाय डिफॉल्ट सर्जन होता है वो वही होता है पता है आपको नहीं जरूरी नहीं है आपको पता हो ठीक है मैं देखता हूँ इनमें से एक चीज़ है जो उस और इसको मिलाती ठीक है वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है जो यूनिक्स है ना यूनिक्स वाले ने कहा कि मुझे लिनक्स जैसा ही चाहिए तो उसने कहा लिनक्स इसका फुल फॉर्म अगर आप देखोगे दैट इज लिनेक्स इज नॉट यूनिक्स ठीक है उसमें मीन्स इनडायरेक्टली इसमें यूनिक्स भी रखा लेकिन साथ में यह भी कहा यह यूनिक्स नहीं है ठीक है सेम वे इन्होंने क्या काम किया इन्होंने कहा बिंग इज नॉट गूगल बी आई एन जी B for बी I for is, N for not, G for Google. ठीक है तो इन्होंने भी यही कहा कि ये भी सर्च इंजन है लेकिन गूगल नहीं है उसने भी यही कहा कि ये भी यूनिक्स है लेकिन यूनिक्स नहीं है ठीक है तो अगर ऐसा आपको नाम कोई दिखे तो इस टाइप ऑफ नाम को हम बोलते हैं रेकरेंट नेम्स मीनस जो उन्हीं में से निकले कहीं से मे भी पूछा जाए ऐसे तो नहीं पूछेंगे बट इनकेस पूछे कि इनमें क्या एक दूसरे में रिलेशन है तो वही है ये रेकरेंट नीन्स बिंग का मतलब है इज नॉट गूगल बट लेकिन अल्टीमेटली ये प्रूव ही हो गया बिंग Google, है बिंग इज नॉट गूगल ठीक है क्योंकि गूगल कहीं और है और बिंग बहुत पीछे है ठीक है लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ बहुत आगे चला गया फिर लेक्स के अभी बहुत सारे वेरियंट्स हैं और अभी जो आप सबसे कॉमन वेरियंट यूज होता है अगर इसमें से वो पूछेंगे जो सबसे कॉमन वेरियंट यूज होता है वो है यू एन टी ठीक है ये किसका वेरियंट है लिनक्स का या यूनिक्स का दोनों दोनों में से कुछ भी पूछे तो दोनों का एक ही वे इक्विवेलेंट है ठीक है जो कॉमनली अभी सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं चाहे कोई भी कंप्यूटर प्रोफेशनल हो कोई भी यूज करे लिनक्स का वर्जन तो वो कौन करता है यूज उबंटू ठीक है उसके बाद और एक है वो है रेड हैट ठीक है फिर है अब उसका नाम है और एक है यस दैट वुड बी केएलआई काली लिनक्स और एक वर्जन है इसका फेडोरा ये चार हैं जो काफी यूज होते हैं मीन्स मैक्सम एफ ई डी ओ आर ये सारे किसके वेरियंट है लिनेक्स के या यूनिक्स के जो भी आप लिखना चाहो जैसे अगर वहां आपको पूछा जाए इनमें से कौन सा वेरियंट है यूनिक्स का तो इनमें से जो भी कोई दिया होगा वो किसका वेरियंट है यूनिक्स का ओबन टू रेड हेड आरईडी एच ए टी रेड हेड देन कालीक्स लिनेक्स ये लेकिन पहले क्या है काली तो वो आपको ये नहीं पूछेंगे क्योंकि इस पे तो पहले ही पता चलता है कि ये लिनेक्स का पार्ट है तो और फिर उसके बाद क्या है फेडोर ठीक है अब जो ये ओबन है ये अगर आप देखेंगे मैंने कहा कि ये सबसे ज़्यादा यूज होता है तो ये कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये ओबन का वर्जन कब कब आता है जैसे आप आपके फ़ोन में अपडेट्स आते रहते हैं ना ऐसे ओबन टू का भी हर बार हर साल में दो वर्जन आते हैं कितने वर्जन आते हैं हर साल ये मीन्स जब से ये बना है इनका ये कॉमन पॉलिसी है दो वर्जन आते हैं पहला आता है अप्रैल में ठीक है मही मीन साल के जो मई अप्रैल है और दूसरा आता है अक्टूबर में ठीक है हर बार मींस उबंटू के वर्जन में भी पूछें कि किस साल में आता है मीन्स किस महीने में आता है पहला किस में आता है अप्रैल में और दूसरा किस में आता है अक्टूबर हमेशा यही होगा फिर वो नाम कैसे देते हैं अभी कौन सा ईयर चल रहा है टू जीरो टू वन ठीक है जो अप्रैल में आएगा उसका नाम होगा ट्वेंटी वन पॉइंट जीरो फोर ठीक है और जो अक्टूबर में आएगा उसका क्या होगा ट्वेंटी पॉइंट वन जीरो ट्वेंटी वन पॉइंट वन ऐसे नाम दे दें मीन्स अगर आप पुराना लिनक्स अभी डाउनलोड कर रहे हैं ओवन का वर्जन आपको कौन सा मिलेगा लेटेस्ट अक्टूबर वाला तो उसका क्या नाम होगा ट्वेंटी पॉइंट वन जीरो ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी जो उसके सेकेंड पार्ट है कौन सा महीना वन जीरो ठीक है और इसमें अगर ये अभी अप्रैल में स्टार्ट करेंगे तो वट वुड बी दैट ट्वेंटी पॉइंट जीरो फोर सो इट वुड बी समथिंग नेम वुड बी ओबन टू

ज एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में कौन सा पहला था फायरफॉक्स दूसरा क्या था लिनक्स ठीक है अभी के करंट करंट एरा में जो सबसे कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको हम बोलते हैं जिसके थ्रू आप कोई भी कंप्यूटर या कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो ठीक है दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फाइन तो अब मीन्स जो सबसे मैक्सिमम जिसका अभी रोल है पूरे कंप्यूटर साइंस में उसका नाम क्या है पाइथन ठीक है सो इट्स पाइथन ओपन सोर्स पायथन इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी मे बी वो पूछे पायथन क्या है ओपन सोर्स है तो वट इज दिस पायथन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक ऐसे ही जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हो ना अगर आपको वो यूज करना है तो उसके लिए भी आपको क्या देने पड़ेंगे पहले पैसे दे वो आपको खरीदना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आपको यूज करना है सिस्टम में या फिर आप किसी तरीके से चोरी से करते हो वो अलग बात है बट अगर आपको एक्चुअल वर्जन देखना है तो वो आपको कहाँ से लेना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से उनको पे करके ठीक है उस चीज को काउंटर करने के लिए इन्होंने दो चीज़ें बनाई हैं एक का नाम है ओपन ऑफिस ठीक है ये चलता है विंडोज पे किस पे चलता है विंडोज पे ओपन ऑफिस किस पे चलता है विंडोज पे ये क्या काम आपको करके देता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो काम करता है वही काम ये भी करता है और सेम जब इन्होंने बताया कि हमने ऊबर टू बनाया उस पर भी ऑफिस चलना चाहिए क्योंकि उस पर भी ऑफिस का काम होगा तो उस, उसका उन्होंने नाम दिया है एल आई बी आर ई ओ डबल एफ आई सी ये किस पे चलता है लिनक्स पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डिफरेंट वर्जन जो फ्री हैं क्योंकि हम ओपन सोर्स की बात कर रहे हैं ना जो फ्री वर्जन है वो दो है एक कौन सा है ओपन ऑफिस ये किस पे चलता है विंडोज पे दूसरा लिब्रो ऑफिस ये किस पे चलता है लिनक्स पे ठीक है ये ले नेक्स्ट का वर्जन है आर सम कॉमन और कौन सी होंगी एवलसी हाँ एंड्रॉय इज ओपन ठीक है इट्स ऑल्सो ओपन और एक जो आप अक्सर यूज करते हो क्योंकि जब भी कोई लैपटॉप लाता है वो पहली चीज क्या डाउनलोड करता है वीएलसी प्लेयर ठीक है वर्ट वी एल सी प्लेयर जो आपको हेल्प करता है कोई भी मूवी प्ले करने में म्यूजिक प्ले करने में कुछ भी प्ले करने में ठीक है जो आपका म्यूजिक प्लेयर होता है ना नॉर्मली ये वी प्लेयर जो है ये भी ओपन सोर्स है मैं ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कॉमन है दिस आर क्वाइट फ्रिक्वेंट जो हम यूज करते हैं हर बार कंप्यूटर्स में तो वो कौन सा मिस मे भी वो पूछे फायरफॉक्स या पूछे लिनिक्स या पाइथन या ओपन ऑफ्स या वी प्ले या पी है और एक ज ऑल्सो ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये किसके काम होती है जब भी आपको कोई वेबसाइट बनानी होती है उसमें हम किसको बोलते हैं पी एच पी को ठीक है और एक है माई एस क्यू एल ठीक है दिस फॉर डेटा बेस ये मैं देखो मैं क्यों ये लिख रहा हूं क्योंकि कभी क्या होता है आपको किस्मत अच्छी होती है कि इन ही में से डायरेक्टली वो पूछे कि इनमें ऐसे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी कौन है और पूछेंगे भी वही हंड्रेड परसेंट और इसमें कुछ नहीं पूछेंगे वो आपको वो आपको सिर्फ इतना पूछेंगे कि इनमें से ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी कौन है फिर इनमें से एक ऑप्शन दिया होगा तो आपको वही यूज करना है ठीक है हा माई एस क्यू एल एम वाई एम वाई ठीक है फिर एस क्यू एल कैपिटल एस का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज this is used in databases what is a database database is simply which is used to store your data so that from that आप कोई भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ठीक है वो डेटा किसमें में स्टोर होता है रोस और कॉलम्स में फिर आप उसको बताते हो इस रो में ये डेटा मुझे चाहिए तो वो आपको वो रिट्रीव करके देता है ठीक है so there is a programming language or you can say structured query language for databases aur ek hai gimp जी आई एम पी जी आई एम पी ये इसका नाम है ये किसके लिए यूज होता है जो आपका फोटोशॉप वीडियो एडिटर है ना बाकी वो सब कुछ उसके लिए यूज होता है जो नॉर्मली फोटोशॉप का काम है फोटोशॉप में आप क्या काम करते हो तो आदमी ऐसा है उसको सिर पे किसी और का ये सिर लगाओगे ऐसी चीजें मतलब नॉर्मल ऐसी एडिटिंग या एक एक तरीके का है उस, उसको पूरा चेंज कर लेते हो एडिटिंग सिंपली सॉर्ट ऑफ एडिट अगर करना चाहो वो आप किस में यूज करोगे फोटोशॉप में ठीक है फोटोशॉप क्या है पेड है आपको खरीदना पड़ेगा उस चीज को काउंटर करने के लिए उन्होंने क्या बनाया ये नहीं है दिस इज नॉट ओपन सोर्स ठीक है डोंट थिंक सो यह मैं बता रहा हूं कि ये किसके काम इसका अपोजिट क्या है और की है? कौन सी चीज है जो हम गिप के थ्रू कर सकते हैं और हाँ जावा अभी ओपन सोर्स अभी करंटली ओपन सोर्स पहले नहीं था लेकिन अब ओपन सोर्स है पहले ये सन के अंडर था लेकिन उन्होंने छोड़ दिया दिया और और को दे दिया। औरेकल ने जावा ओपन सोर्स क्रिएट कर दिया हालांकि एस एच और खुद ओपन सोर्स नहीं है क्योंकि ओरकल जो है कंपनी वो एसक्यूएल जो डेटाबेस जो सारी बनाते हैं वो वही बनाते हैं उनके आपको सारे डेटाबेस क्या करने पड़ते हैं खरीदने पड़ते हैं लेकिन उन्होंने जावा एस लैंग्वेज थी जो कॉमनली यूज होती है पता नहीं क्यों उनको मूड आया तो उन्होंने उसको ओपन सोर्स में कर दिया ठीक है सो जावा इज ओपन सोर्स राइट नाउ और ये किसके अंडर आता है एक्ल के अंडर पहले किसके आता था सन तो जो कंपनी सन सॉफ्टवेयर ठीक है उसके अंडर आता था एंड देन लास्ट आई थिंक टाइम इज ऑफ तो ठीक है जो नेक्स्ट क्लास होगी ना आपकी टुमारो इंशाल्लाह उसमें हम क्या देखेंगे जिसमें मेरा जो स्टार्ट क्या होगा कि हम स्टार्ट करेंगे बेस कंप्यूटर से कंपोनेंट्स क्या है क्योंकि उसी से फिर आपको पता चलेगा हमें कहाँ जाना है और क्या चीज़ें क्या फिर हम एप्लीकेशन देखेंगे जब आपको पता चला होगा कंप्यूटर क्या है तब तो जाके आप एप्लीकेशन देखोगे जब वो नहीं पता है तो application...